सेकंड स्टैंडर्ड की इंग्लिश ग्रामर में आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं दोस्तों, और टॉपिक का नाम है सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक जो सेंटेंस होता है, फॉर्मेशन जो सेंटेंस की होती है, और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दैट वी गोना लर्न। और साथ में कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये कि एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। आफ्टर दैट यू कैन वॉच ऑल वीडियोज व्हेन आई अपलोड इट। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि उनको भी ये सब चीजें सीखने को मिले। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास, सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले बेटा मैं सेंटेंस बताता हूं क्या होता है। सेंटेंस बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पीहू इज लेट टूडे, राइट मैंने कहा पीहू इज लेट टूडे, एक सेंटेंस बनाया। अब एक सेंटेंस में सबसे पहले हमने देखा वी हैव थ्री वर्ड्स हियर, हमारे पास थ्री वर्ड्स हैं यहां, राइट। और एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर से शुरू हुआ और एंड किस पे हुआ, फुल स्टॉप पे। दो चीजें, पहली बात क्या थी कि हम वर्ड्स का यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंस। सेकंड, कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, एंड में फुल स्टॉप होगा। अगर कहीं भी आप ये देखते हो ये दो पॉइंट, तो मींस दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। बात समझ में आई बेटा? चलिए लेट्स रीड दिस लाइन। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब, विद अ वर्ब, एंड इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। ध्यान रखिए बेटा, ये आई लव एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है, तो आई कैपिटल, आई तो वैसे भी कैपिटल होगा चाहे सेंटेंस के बीच में आए या स्टार्टिंग में आए, आई ऑलवेज कैपिटल होगा। एप्पल, आई लव एप्पल, ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन देखिए, फुल स्टॉप एंड में है। संडे इज हॉलीडे, ही ईट्स एन आइसक्रीम, फुल स्टॉप, ही कैपिटल एच कैपिटल ईट्स एन आइसक्रीम। सो दैट मेक्स सेंटेंस। तो यहां पर क्या है बेटा, आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, एक नाउन, ध्यान रखिए आइसक्रीम क्या है, नाउन। और ईट्स क्या है, ईट्स, ईट्स एक एक्शन वर्ड है, सो वी कैन कॉल इट वर्ब। एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं, वर्ब। अगर आपने अभी तक वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके वर्ब वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ओके बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इसके अब टाइप देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर टू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्ड कौन से होते हैं। थोड़ा सा यानी कि सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं उसको समझने के लिए क्या होता है। अ सेंटेंस हैज टू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। हमें सेंटेंस को ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब क्या है कि एक पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, कैपिटल कैपिटल लेटर वाले क्या है, और एंड में फुल स्टॉप क्या है। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन्स की। किसकी, नाउन्स की। नाउन्स हमें पता है कि नाउन्स क्या होते हैं। अगर नाउन अभी तक नहीं देखे हैं तो नाउन की वीडियो भी आप इसी आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दो तीन वीडियोस डालूंगा जो कि आप साथ साथ देख सकते हैं, बट पहले ये वीडियो कंप्लीट जरूर करिएगा। नाउन्स क्या है, नेम्स ऑफ पीपल एनिमल प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम और थिंग का नाम, ये होते हैं नाउन। अब वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स मीन्स सिंग, डांस, ईट, वॉक, स्लीप, दीज ऑल आर एक्शन वर्ड। जो भी हम दिन भर में कार्य करते हैं, काम करते हैं, दैट ऑल आर एक्शन वर्ड। राहुल सिंग्स अ सॉन्ग,
राहुल क्या है? गाना गाते सिंग्स एक्शन वर्ड है यहाँ पर. ओके, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग लाउडली. ठीक है, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग अगेन. ये लाउडली बता दिया, सॉन्ग गा रहा है, कैसे गा रहा है, लाउडली, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं. राहुल सिंग्स अ सॉन्ग लाउडली इन द बाथरूम, प्लेस भी बता दिया कहां पर गा रहा है. ओके, सो एवरी सेंटेंस हैज एटलीस्ट वन नाउन और प्रोनाउन एंड वन वर्ब. ये बात ध्यान रखने योग्य है, ये बहुत जरूरी बात है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें एटलीस्ट वन नाउन होगा ही होगा. यहाँ राहुल क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन इज अ नाउन. क्या है? अगर हम बार बार राहुल ना यूज करके यहाँ ही यूज करें तो क्या बन जाएगा? दैट इज प्रोनाउन. सो इसीलिए यहां पर यूज किया है और. या तो नाउन होगा किसी भी सेंटेंस में या फिर प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं. या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्लस क्या होगा? एक वर्ब जरूर होगी. वर्ब मींस एक्शन वर्ड, ध्यान रखना बेटा. अगर हमारे पास एक नाउन या फिर प्रोनाउन है प्लस वर्ब है, देन वी कैन मेक अ सेंटेंस. लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई हम सिर्फ ये दो ही यूज करने हैं, इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं. क्या ऐड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि अभी तक जो सीखा है उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. चलिए, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हमें जो ब्रैकेट में दिया है इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. ध्यान रखिए बेटा, इसमें एक क्या है? वर्ब है और एक नाउन है. ध्यान रखिए, द बॉयज आर डांसिंग ऑन द रूफ. हमने क्या यूज किया है बेटा? ध्यान दीजिए यहां पर, यहां बॉयज है, प्लूरल है, आर डांसिंग, आर यूज किया है तो आई एन जी यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऑन द रूफ. नेक्स्ट क्या है? दो वर्ड है हमारे पास, बेबी एंड स्लीप. क्या है? द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग. ओके बेटा, द शॉपकीपर इज सेलिंग फ्रूट्स. नेक्स्ट क्या है? द वुमेन इज स्टिचिंग अ ड्रेस. द बर्ड्स इज यहां पर आप कह सकते हो द बर्ड इज सिटिंग. ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, ये दो वर्ड यूज करके एक सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाई है, जिसमें से एक हमारा नाउन है, दूसरा हमारा क्या है? वर्ब. मैंने आपको कहा था कि मैं एक नियम बताऊंगा, अगर कोई सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन है प्लस वर्ब है, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस सिर्फ उन्हीं से बने, इसके अलावा भी वी कैन ऐड एडजेक्टिव्स. क्या क्या ऐड कर सकते हैं? एडजेक्टिव्स, एडवर्ब प्लस अदर वर्ड्स भी हम यहां यूज कर सकते हैं. इनके कॉम्बिनेशन से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं. ओके बेटा, आज के लिए चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा बेटा सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? फॉर्मेशन होती है जिसमें हमने कुछ वर्ड्स को मिलाकर बनाया है एक सेंटेंस, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड में फुल स्टॉप, और साथ में एक वर्ब जरूर यूज करनी है. एक सेंटेंस जो है फॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब, ये ध्यान रखिएगा, इससे ही एक सेंटेंस बनता है, उसी से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाते हैं. प्लस इसके अलावा हम एडजेक्टिव, एडवर्ब और अदर वर्ड भी यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में. मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी. अगर समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.
माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।